हे गाइस वेलकम टू माय अदर वीडियो। सो गाइस इस वीडियो में वॉश पेंटिंग का सेकंड पार्ट दिखाऊंगा। भाई पहले वाला वीडियो में वॉश पेंटिंग का फर्स्ट पार्ट दिखाया था, तो उधर भाई उसका ड्राइंग करके कुछ कुछ कलर वगैरह करके उसका प्रोसीजर वगैरह बता दिया था। तो आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके जरूर वो वाला वीडियो देखिए। और हाँ गाइस, पहले वीडियो में मैं एक बात बताना भूल गया था कि भाई वॉश पेंटिंग का जो रियल प्रोसीजर होता है ना, उधर भाई जो बोर्ड के नीचे बोर्ड के ऊपर एक पतला सा कॉटन का कपड़ा दिया जाता है, जैसे कि इस तरह से, ठीक है। तो भाई जैसे इससे क्या होता है, पेपर ज़्यादा टाइम गीला रहता है। और एक बात भाई, आप लोग सोचेंगे भाई तू इधर क्यों नहीं यूज़ कर रहा है, तो मैं इधर क्यों नहीं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि भाई उसमें जो प्रोसीजर होता है ना, वही कपड़े को यूज़ करने से जो प्रोसीजर होता है वह बहुत ही लंबा हो जाता है। करीबन एक पेंटिंग बनाने में आपको 2 से 3 महीने लग जाता है। तो भाई भाई मेरे पास तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब के लिए, तो भाई इसलिए थोड़ा सा टाइम कम करने के लिए सिर्फ मैंने बोर्ड यूज़ कर लिया है, कपड़ा वगैरह नहीं यूज़ किया है। भाई आप लोग प्रोफेशनली इंडियन पेंटिंग का काम, जैसे कि वाटर वॉश पेंटिंग वगैरह करना चाहते हो, तो भाई ज़रूर उस कपड़े को यूज़ करना चाहिए, वो भाई इस प्रोसीड्यूर का ही एक हिस्सा है। और मैं इधर क्यों नहीं यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम कमाने के लिए, ठीक है। तो ये देखो भाई, सेकेंड वॉश के बाद मेरा पेंटिंग कुछ ऐसे लग रहा था, तो इसके बाद कलर करूँगा, उसके बाद फिर से वॉश करूँगा। भाई यही बहुत ही एक मज़ेदार चीज़ है भाई, बार बार कलर करते जाओ और फिर से वॉश करते जाओ। तो देखो भाई बहुत ही ज़्यादा डिटेल में काम करना पड़ता है हर एक चीज़ के ऊपर, जैसे कि मैं इधर कर रहा हूँ। तो भाई आगे आगे वीडियो को देखो, और भाई जो जो भी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो वीडियो को ज़रूर एक लाइक करो, और जो भी चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो यार। भाई पास में जो बेल आइकन हो जाएगा सब्सक्राइब करने के बाद, तो उसको भी प्रेस कर लेना, तो आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगा। सो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखो, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला ये वाला वीडियो, देख सकते हो भाई एकदम ने एक सॉफ्ट सॉफ्ट फीलिंग्स निकल के आएगा। भाई आप में से बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया था, भाई ये जो पेंटिंग मैंने बना रहा हूँ ये भाई द बार्थ ऑफ बुद्ध है, जो हमारा गौतम बुद्ध है उसका बात का जो स्टोरी है, तो भाई यही है। और भाई वॉश पेंटिंग में क्या होता है, जब पेपर गीला होता है तब आप लोग कलर करते हो, तो उससे क्या होता है कलर ना पेपर के एकदम अंदर तक चला जाता है। और भाई नॉर्मल वाटर कलर में क्या होता है, पेपर जो कलर है वह पेपर के सर्फेस के ऊपर रह जाता है, ठीक है। और भाई इस प्रोसेस में वॉश पेंटिंग में ऐसा नहीं होता है, कलर एकदम पेपर के अंदर तक घुस जाए तो भाई वो एकदम परमानेंट हो जाता है। तो यही एक बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, और भाई इतना ज़्यादा सॉफ्ट फीलिंग्स आता है आपको क्या बताओ। जब भाई इसको वॉश करूँगा फिर से कलर करूँगा, देख सकते हो भाई कितना ज़्यादा सॉफ्ट फीलिंग्स आएगा। और इसमें इतना सारा डिटेल में काम करना पड़ता है, यही थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है भाई इस पेंटिंग को बनाने में। मुझे करीबन 1 वीक लग गया है, तो इसलिए भाई बहुत दिनों से वीडियो वगैरह नहीं आ रहा था, क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा डिटेल में काम करना पड़ता है भाई, बहुत ही धीरे धीरे भी काम करना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया था इधर। तो गाइस इधर देखो, मैं कुछ कुछ जगह पे डार्क कलर दे रहा हूँ, जिस जगह पे डार्क कलर की ज़रूरत है उस जगह को मैं डार्क कलर से कलर कर रहा हूँ। तो इसके बाद फिर से वॉश करना पड़ेगा, तो ये देखो मैं फिर से वॉश कर रहा हूँ इधर, ये मेरा 3rd टाइम वॉश है। तो इस वॉश को करने के बाद फिर से थोड़ा थोड़ा करके डार्क कलर देना पड़ेगा, थोड़ा शेड वगैरह देना पड़ेगा, और भाई फिर से वॉश करना पड़ेगा। तो भाई ज़्यादा वॉश करने से क्या होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट फीलिंग्स आ जाते हैं। तो भाई इसको वॉश करने के बाद फिर से मैं थोड़ा थोड़ा करके डार्क कलर उसका वॉल्यूम वगैरह ऐड कर रहा हूँ और शेडिंग वगैरह दे रहा हूँ। तो देखते रहिए आगे आगे, और भाई आगे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में काम करना, एकदम छोटे ब्रश से उसका आइज़ वगैरह, उसका जो उंगलियाँ वगैरह, कपड़े का फोल्ड वगैरह, सब कुछ एकदम डिटेल में करना है, वही भाई बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो देखते रहो आगे आगे।
और वीडियो कैसा लग रहा है अभी तक, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बता दो। जो जो भी भाई वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो ज़रूर एक लाइक करो भाई, आपके एक एक लाइक से भाई हमको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, क्या बताओ। तो भाई ज़रूर एक वीडियो को लाइक करो और देखते रहो आगे आगे। और गाइस वॉश पेंटिंग की और एक बात है कि आप अगर चाहते हो तो सेट दे भी सकते हो, नहीं भी चाहते हो तो सेट नहीं भी दे सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। आप नहीं भी चाहते हो तो सेट मत दो, कोई दिक्कत नहीं है इधर, ठीक है, दोनों ही मेथड इधर सही है। सो गाइस और एक बात भाई, वॉश पेंटिंग में ना लाइन बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, ठीक है। आप भाई आपका ड्राइंग एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, आप जो लाइन वगैरह खींचोगे ना ब्रश से एकदम परफेक्ट और एकदम बारीकी से खींचना चाहिए, कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं होना चाहिए, लाइन एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइन, ठीक है। आप इधर देख सकते हो उसका आइज़ वगैरह, उसका होंठ वगैरह कैसे कर रहा हूँ भाई, ये ना बहुत ही धीरे धीरे करना पड़ता है उसका हेयर वगैरह, क्योंकि भाई बहुत ही छोटे ब्रश से, एकदम छोटे ब्रश से बहुत ही ज़्यादा बारीकी से टाइम लेके अच्छे से कलर करो, ठीक है। तो गाइस अब भाई ज़्यादा देर बाकी नहीं है, लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, बहुत सारे डिटेल में मैंने काम कर चुका और भाई एक इसके बाद एक वॉश करना पड़ेगा, उसके बाद फिर से एक कलर वॉश करना पड़ेगा, तो जाके भाई मेरा पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस चलो भाई आखिरी बार फाइनल वॉश करने जाते हैं भाई, ये है लास्ट वॉश, इसके बाद मेरा पेंटिंग कम्प्लीट हो जाएगा। सो देखते कैसा होता है इस वॉश करने के बाद, चलो। सो गाइस इधर देखो मैं मेरा बोर्ड के ऊपर एक पतला सा कॉटन का कपड़ा रख दिया, इससे क्या होता है भाई पेपर ज़्यादा टाइम गीला रहता है भाई, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है वॉश पेंटिंग के लिए। तो भाई आप लोग एकदम प्रोफेशनली एकदम अच्छे से वॉश पेंटिंग वगैरह करना चाहते हो तो भाई पहले से ये वाला स्टेप ज़रूर यूज़ कीजिए। भाई मैं इधर क्यों नहीं यूज़ कर रहा था, इसमें टाइम बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाता है, इसलिए मैं यूज़ नहीं कर रहा था। और भाई अब मैं जो यूज़ कर रहा हूँ इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा पेंटिंग लगभग कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो भाई अब मैं सिर्फ आखिरी वॉश कर रहा हूँ, वॉश से क्या होता है भाई एक्स्ट्रा जो कलर पेपर के ऊपर रह जाते हैं उसको सिर्फ वॉश करके निकल देना पड़ता है, भाई पेंटिंग के एक सॉफ्ट लुक निकल के आ जाता है, ठीक है। सो गाइस उसके बाद क्या होता है आपको एक कलर वॉश करना पड़ता है, जैसे कि मैं इधर कर रहा हूँ, और कलर वॉश में क्या होता है आपको अपने मनपसंद कलर से भाई जिस कलर से आपका पेंटिंग और भी ज़्यादा सॉफ्ट लगे तो उस कलर से एक वॉश करना पड़ता है, जैसे कि मैं इधर कर रहा हूँ, मैं इधर यूज़ कर रहा हूँ ब्रांड सियाना और प्रूशन ब्लू, मैंने इधर दोनों कलर को मिक्स करके उसके ऊपर वॉश कर रहा हूँ। इससे क्या होता है पेंटिंग के ऊपर ना बहुत ही एक सॉफ्ट फीलिंग्स आ जाता है, पेंटिंग और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है दिखने में। तो गाइस इधर देखो मैं सिग्नेचर कर रहा हूँ, मेरा पेंटिंग कंप्लीट हो चुका है, वही सिग्नेचर करने के बाद थोड़ा थोड़ा करके पेंटिंग दिखा दूंगा भाई, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था भाई वॉश पेंटिंग को करने के बाद। सो गाइस बहुत दिन से इसके ऊपर काम कर रहा था, फाइनली कंप्लीट हो चुका है, तो बहुत अच्छा लगा भाई इसको पेंट करके, क्या बताऊँ। सो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताओ, भाई अच्छा लगे तो एक लाइक करो, आपके एक एक लाइक से ना हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो भाई ज़रूर लाइक करो वीडियो को। और भाई जो जो भी चैनल पे नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो भाई ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, नीचे जो रेड कलर का बटन दिख रहा उसको सब्सक्राइब कर दो, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, उससे क्या होगा आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में
पहुँच जाएगा। तो भाई आज के वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वाला और एक वीडियो में।